हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज की वीडियो जो है बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा बेबी जो है 3 महीने का हो गया है और हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया है। या आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड हम लोग कराए हैं क्यों, जैसे ये बेबी सही है कि नहीं है, जैसे उसका मतलब देखा जाता है। तो अभी 3 महीना हो गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमने अल्ट्रासाउंड कराया है और दिखाऊंगा कि बेबी कैसा इसमें दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैडम का अचानक में दर्द हुआ था पेट में और लगी थी रोने, तो इनको मैं लेके गया था हॉस्पिटल, ठीक है। आइए पर्ची रहा, हम लोग कसिया के अलशिपा हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं लोग, ठीक है। क्या वो हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है, अगर आप लोग जानते होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो उसी में दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड किया है और इनको बेबी और को भी दवा मिला है भर भर के। और दवा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब यार हमें नॉर्मली देखो कोई बीमारी तो रहता नहीं है, लेकिन कुछ मल्टी विटामिन का कैप्सूल देना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा दवा मिला है आप लोग। ये 3000 का दवा है खाली, ये आप लोग 3000 का, ये देख रहे हो ये दवा मिला है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इस पर बेबी, इसमें बेबी एकदम सही सलामत है भाई। ये देखो पास से इसमें दिखाता है ना सारा स्कैन करके, ये वीडियो में तुम देखी हो ना, हाँ। कैसा दिख रहा था उसमें, इतना छोटा भाई, तो हमारा बेबी उसमें अच्छे से, उसका पैर दिल उल सब बन गया है। अब डॉक्टर ने बोला है कि सकीना जी को थोड़ा सा आराम करने के लिए, तो इनको बहुत ही आराम मिल रहा है, क्योंकि खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है इनको, जो भी चीज मतलब मिल रहा है सब दरिए पे इनको मिल जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुमको? हाँ। हाँ। हम आराम करते हैं, मम्मी खाना बनाती है। ये देखो आराम करती हैं, देखो 3 से 4 महीने थोड़ा सा आराम करना चाहिए, उसके बाद से प्रेग्नेंट महिला को क्या करना चाहिए कि आराम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, जितना काम करने तो नॉर्मल डिलीवरी होने का संभावना। 5 महीने तक थोड़ा थोड़ा मतलब आराम करना चाहिए। 5 महीने चार महीने तो 5 महीने तक बेबी छोटा रहता है, तो 5 महीने तक सोई रहोगी। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि इनको मैं अपने घर भेज, इनको अपने घर भेज दूँ, मतलब बिहार भेज दूँ, और वहीं पे इनका खर्चा वर्चा देता रहूंगा और अपने बेबी को आराम करते रहेंगे और चेकअप कराती रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे है ना तो इनके लिए बोझ है, बोझ है। हाँ। तुम बाबू हो, ये मेरी बाबू है, फिर हम चले जाएंगे तो आएंगे नहीं, इनका बेबी हो जाएगा फिर भी नहीं आएंगे। ए देखो यार, ये एक बात बोल रही है ना कि देखो सुनो, क्या बोल रही थी कि हम बोले कि चले जाओ बिहार, ठीक है। तो कह रही हम चले जाएंगे तो आएंगे नहीं, तो हम बोले कि यार ठीक है मत आना, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, मत आना मत आना, इनका बेबी है तो हम अपने पास रखेंगे, नहीं देंगे आपको और क्या, ठीक है अपना बेबी अपने पास ही रखना, मेरे पास दूसरा बेबी आ जाएगा, दूसरा कहाँ से दूसरा बेबी आएगा, कहीं से भी आ जाएगा। आइए देखो एकदम बोलती नहीं है, आप लोग बोलो यार कि वीडियो में बोले, ये बोलती आप कितना बोले, इतना तो बोल रहे हैं, बोली भोजपुरी में बोली, भोजपुरी में बोली। तो दोस्तों ये बिहार की हैं, वीडियो में खाली हिंदी बोलती हैं। एक बिहारी 100 पे 100 बीमारी, एक बिहारी 100 बीमारी, 100 पे बीमारी नहीं 100 बीमारी ना, 100 पे बीमारी। भाई अच्छा आप लोग बताओ कि एक बिहारी 100 बीमारी है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं, हम तो भाई दिल से बता रहे हैं कि 100 बीमारी, 2 बार दवा कराए हैं तो इसलिए हालत खराब हो गया, इसलिए बीमारी बीमारी हो गया है। नहीं भाई दिल से बोल रहा हूँ, दो मैं अपने बेबी के लिए तो जान कुर्बान है मेरा, 2 बार देखो कैसे बोल रही है कि 2 बार दवा कराया हूँ तुम्हें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोले चल जाओ बिहार बिहार। हाँ। भाई देखो जो भी मतलब होता है वो तो घर ही वाले तो देखेंगे, मतलब ये बोलता हूँ मैं टाइम टाइम से अगर नहीं रहता हूँ ऑफिस चला जाता हूँ तो तुम चले जाओ बिहार, वहाँ पे मैं तुम्हारा देखभाल करने के लिए आता रहूंगा, ठीक है। देखो अभी आंख इसका देखो, अभी लग रहा है सो के उठिए, अब मेरा देखो मैं इतना काम वोम करके ऊपर छत पे गया था, वो लिंटर हुआ है और उसके बाद करा के सब आए हैं, और तो फाइनली बेबी हम लोग का 3 महीने का हो चुका है, और जैसे जैसे
उसका दिन बढ़ता जाएगा, आप लोग को अपडेट देता जाऊंगा मैं भाई। और मैं हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में एक लड़की हो, अब देखो अल्लाह का रहमो करम होगा तो लड़की होगी, नहीं होगा तो लड़का होगा, वो तो खुदा ही जानता है। क्यों जो मैगी बनाते जाओ, बाहर रखे नहीं है एक वीडियो मैंने बनाया था तो इनका और मेरा मतलब ये झगड़ा, मतलब रो रही थी तो बहुत सारे लोग मैसेज किए साहिल भाई ऐसे मत कीजिए, बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत मारते हैं, मुझे रुलाते भी हैं अपने कमेंट करके समझा दीजिए, मारते नहीं अभी तो बात ऐसे करके आप कमेंट करके समझा दीजिए ये कोई मारना थोड़ी ना हुआ, मैं समझाता हूँ, इतना प्यार भी करता हूँ भाई, बस दिखावा करते हैं आप लोग के सामने। अच्छा दिखावा करते हैं, चुड़ैल जैसे लगती, कौन अच्छा लगता है सबसे अच्छा बताओ, तो अपने तो मैं यार आप लोग कह रहे हो यार साहिल भाई बड़ा वीडियो बनाओ, तो बड़ा कितना, आधे घंटे का बनाओ कि एक घंटे का बनाओ, अलशिफा लाइफ केयर हॉस्पिटल है ये कसिया में है इसका हॉस्पिटल, देखो इसी में हम लोग अभी इनका चेकअप करा रहे हैं, तो अगर नॉर्मल हो जाता तो और अच्छा ही है, आप लोग का मिलना होगा तो हॉस्पिटल में आ जाएगा मिलने के लिए। हाँ भाई देखो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि साहिल भाई, जैसे कितने लोग मैसेज कर रहे हैं कि इनके गांव से ही है लोग, तो गांव से अगर हो आप लोग इधर आओ जी, अगर गांव से हो आप लोग ना तो मतलब इनके अगल बगल से, ये तो इनका घर जो है, एक भाई ने पूछते मतलब वो हमारे वीडियो हम लोग के देखते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बता रहे हैं कि आप बोलते हैं कि हम कटिया से गोपालगंज, तो इनका घर जो है ना प्रॉपर एक कटिया बाजार पड़ता है, उसके बाद से सरया, सरया पड़ता है ना, तो बताओ सरया मेरा घर है, कटिया मेरा घर है, सरया नहीं, कटिया तुम्हारा घर है, वो तो चौराहा है ना, तो चौराहा पर, चौराहा के बगल में, चौराहा के बगल में सरया है, वही इनका घर है। क्या क्या शर्माती है, एक नंबर की जी। तो भाई जिसको भी मिलना होएगा आप लोग, हम लोग कसिया जाएंगे दवा कराने के लिए, तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है, आइए, वीडियो जानबूझ के हिला रही है मारू भाई मारू कि नहीं, देखो मारता नहीं हूँ लेकिन वो करता हूँ तो झूठ मूठ में बोलती है कि वो कर रहा है। अच्छा जानते हो मैं बता रहा हूँ भाई, सुबह उठती है ना तो ये मैक पहले भुआ उठेगी और सुबह शीशा के सामने जाके पाउडर रहता है ना सब लेके पोतले, ओए मैं उतना मैं पोतलू तो अच्छा लगूंगा। अच्छा अच्छा अरे फेस वाश मुंह धोना, फेस वाश से वो तो नॉर्मली है, मेरा नेचुरल ब्यूटी है भाई। अब चलो मैगी बनाओ मेरे लिए, चलो मैं चलो गैस सेट करता हूँ, चलो नीचे हाँ, मेरे घर पे आज बन रहा पता है क्या चीज, गुजिया पिट्ठा, और वो हम लोग खाने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।